जेल का एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताएं मेरा जेल का एक्सपीरियंस वैसे तो जेल जेल होता है कैद कैद होती है तो वो बताएं ना कि खाने में क्या मिलता था क्या रवैया होता था कैसा टाइम गुजरा कितना टाइम गुजरा बताएं थोड़ा सा जेल में मुश्किल वक्त गुजरा मुश्किल वक्त गुजरा कितना टाइम 6 महीने 6 महीने बहुत टाइम होता है मैंने अपना एलएलबी पार्ट 2 का एग्जाम जेल से दिया और छह महीने आप एक पहले मैं पहले लाइट थी वहाँ पे। हाँ लाइट होती थी लेकिन आपको मगरब से पहले वो लॉकअप कर देते हैं बंद कर देते हैं आप सुबह फजर के टाइम खोलते हैं और मगरब के टाइम आपको लॉकअप बंद कर देते हैं तो पहले तो तीन महीना मैं सी क्लास में थी जहाँ मेरे साथ चालीस औरतें थीं तो एक बेड 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 दो बाथरूम एक शावर वहीं बेड 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 बैड हाँ वहीं और पूरी रात लाइट जलती है लाइट बंद नहीं होती है सोने के लिए भी लाइट जलती है पूरे बैर इट्स लॉन्ग बैरिक उसमें थी खाना हमें घर से अलाउ था लेकिन जो जेल में खाना मिलता था वो कनस्तर इतने बड़ा कनस्तर होता था वो फिल्मों में, में देखते हैं अक्सर वो कनस्तर, कनस्तर स्टील का उसमें दाल होती थी और फिर अलग से रोटियां होती थी लेकिन ये चेंज हो गया है उसके बाद जब प्रेसिडेंट साहब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने बाकायदा ये चीज़ें ख़त्म कर दी और अब जेल का एक बाकायदा मेन्यू है

बड़ी बात है बड़ी बात है कि जाहिर है उन्होंने कुछ फील किया होगा जो भी है जो भी है कैदी हैं या जो भी हैं हैं तो इंसान तो अब तो वुमेन जेल में अगर आप जाएं ना मैं तो रेगुलरली जाती हूँ, तो अब तो वहाँ पर कंप्यूटर की फैसिलिटीज सिलाई कढ़ाई हो रही है कुछ काम भी करवाते थे आप लोगों से झाड़ू लगाया है कुछ अरसा मैंने जेल की हां बैरक की झाड़ू अच्छा और ये तो अभी मैंने कहा ना नथिंग इम्प्रेस मी नाउ इट्स ओके मेरी शुरू में कभी गाड़ी खराब हो जाती थी या नहीं ड्राइवर नहीं है तो मैं कहती थी टैक्सी बुलाओ चलो टैक्सी में चलो रिक्शा में चलो कोई इशू नहीं है इंसान इन चीजों से छोटा या बड़ा नहीं हो जाता वाह वाह ये ये बेशक ये नकली चीज है जी. मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि मेहनत में अजमत है छोटे exactly. से छोटा काम बड़े से बड़ा काम है. और जो इंसान नीचे से उठ के ऊपर तरक्की करते हुए जाता है उसको एहसास होता है कि वट सक्सेस इज क्या इन फ्यूचर अपने आप को कहाँ देख रही हैं शर्मिला साहिबा क्या है कौन सी मिनिस्ट्री देख रही है कहाँ <laughs> क्या गेम है फ्यूचर प्लान क्या है मैं सियासत के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचती मैं अब अल्लाह ताला से एक ही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जब तक तो जिंदगी है सेहत के साथ दें इज़्ज़त की जिंदगी दें और इज़्ज़त की मौत दें ये मेरी दुआ होती है मेरी हर नमाज के अंदर और मैं अपने आप को आज से दो साल पाँच साल दस साल बाद मैं चाहती हूँ इज्जतदार जिंदगी हो और कुछ ऐसा कर जाऊं लोगों के लिए क्योंकि सियासतदान हूं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूं कि लोग मेरे जाने के बाद मुझे याद रखें अच्छे अल्फाजों में ये तो बहुत अच्छा और बड़ा विजन ये मिनिस्टरियां ये विजन है ये कुछ जानी हाँ जानेगी कुछ हजारों आए हजारों, हजारों चले गए लेकिन जिसने कोई अच्छा काम के लिए अपनी जिंदगी का वो अमर हुआ है बेशक उसको लोगों ने याद किया ऐसी बात बेशक आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन जहाँ आप समझती हैं कि पाकिस्तान के बाद मैं यहाँ रहना चाहती हूँ आई मैं कहीं नहीं रहना चाहती नहीं करें। मैं सिर्फ पाकिस्तान में रहना चाहती हूँ ऐसी कोई पाकिस्तान में कौन सी लड़का अच्छा कराची ऐसी दुनिया में कोई जगह नहीं है जहाँ मैं कहूँगी कि मैं पाकिस्तान छोड़ के यहाँ चले जाऊँ नो 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 अच्छा। मेरी जब शादी होनी थी मेरे रिश्ते आते थे, जो बाहर से आते थे, मेरे फादर पहले ही मना कर देते बात ही ना करो उसकी अच्छा ये शादी का तो ये वाली ऑडियंस को भी पता चल जाएगा है ना क्या है हम मिले थे बिलावल हाउस में बिलावल हाउस एक काबीना का इजलास था बिलावल हाउस में मेरे जो शोहर थे शाम वो जरदारी साहब के साथ काम करते थे और मैं सिंध की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी तो सबसे पहले हमारी तो एक दफ़ा प्रेसिडेंट साहब कराची आए तो बिलावल हाउस में उन्होंने सिंध काबीना का इजलास किया वहाँ पर सबसे पहले मुलाकात हुई फिर उनसे रबता कुछ रहा आगे पीछे यू you नो know, क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री चलाती थी, थी सिंध में तो कुछ रहा फिर एक दफ़ा प्रेसिडेंट हाउस में मुलाकात हुई मुझे कोई ह्यूमन राइट्स अवार्ड मिल रहा था प्रेजिडेंट साहब दे रहे थे तो मैं वो रिसीव करने गई थी वहाँ मुलाकात हुई वहाँ उन्होंने मुझसे कहा आप मेरे साथ खाने पे चलेंगी अच्छा मैंने कहा जी बिल्कुल भी नहीं सिग्नल वहाँ से आया हाँ मैंने कहा जी बिल्कुल भी नहीं अच्छा तो उन्होंने कहा एक और खातून का नाम लेके वो भी हमारे साथ होंगी मैंने कहा अच्छा, अच्छा मैं सोचूंगी मैंने कहा अभी तो मेरे टी वी शोज हैं तो उसके बाद मैं फ़ारग होंगी तो बताऊँगी तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया दस बजे की जी आप फारिग होंगे मैंने कहा जी हो गई अच्छा जी तो फ़ला रेस्टोरेंट में मिलते हैं और हम दोनों आ रहे हैं वो खातून का भी नाम लिया उन्होंने वो खातून तो आई नहीं ये आगे बस वहां खाना पीना हुआ ऐसे कोई बात नहीं हुई बस वहां से एक सिलसिला चला प्रपोज़ उन्होंने किया वो मोमेंट बताएंगे मुझे यार। यार। याद है हम कराची में थे दिसंबर की बात है हम सबसे पहले मिले नवंबर में नवंबर 2010 हजार yes. और दिसंबर 2010 में उन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया था और मिले थे सर दो दफा ऑफ़िशली मेरी वालदा ने पूछा कि हमें किसी दावत में थे खाने पे तो मेरी वालदा ने पूछा आप कैसे हो ठीक हो वगैरह और आपकी बेगम पाए उससे कहा ये खड़ी हैं मुझे कहा ये खड़ी हैं मेरी वालदा ने कहा इसने कुछ <laughs> क्या कुछ खैरियत है उसको पता है मैं क्या पूछ रही हूँ सो उससे मैंने कहा कि मजाक कर रहे हैं बस वहाँ से शुरुआत हुई ऐसे ही होता है किस्मत के जोड़ वरना कहाँ वो पंजाब से मैं सिंध से वो पंजाबी मैं उर्दू स्पीकिंग कहाँ से हमारा टकराव होना था नहीं जी होना होता इसे है तो कहते तो हैं किस्मत है। के खेल वो कहते हैं ना जोड़े आसमानों पे लिखे होते हैं सेटिंग हाँ, सेटिंग ज़मीन ज़मीन पे होती है आपका माशाल्लाह इतना प्यारा बेबी भी है और अल्लाह ताला उसे भी जिंदगी दे और हमें बहुत अच्छा लगता है आप कि जब भी कोई साथ तस्वीर आती है या कभी आप इंजॉय करते हैं अल्लाह ताला आपको ऐसी हस्ता मुस्कुराते रखे थैंक यू सो मच फॉर कमिंग शर्मिला साहिबा आप घबरा रही थी आप बताएंगे <laughs> कोई ऐसी बात कोई ऐसी चीज है अल्हमदिल्लाद <laughs> नहीं नहीं, अल्लमदिल्ला <laughs> <अलहंदिल्ला, अलहंदिल्ला, laughs> और हो गया और नाम रखा है खुर्रम